हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जो छात्र छात्राएं टेंथ के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे उसका आईडी पासवर्ड अब तक नहीं आया है, तो आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जिन भाइयों का आईडी पासवर्ड आ चुका है उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। क्रोम ब्राउजर में आ चुके हैं, वहाँ पर टाइप करना है medhasoft.bihar.in। चलिए, मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मुख्यमंत्री बालक टेंथ पास प्रोत्साहन योजना। चलिए, इस पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है इम्पोर्टेंस गाइडलाइन। चलिए, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से सारी गाइडलाइंस देख सकते हैं, वाइज लिस्ट भी देख सकते हैं और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट प्लस का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और जिन भाइयों का आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का और जो अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर डाले तो वहाँ पर डालेंगे, उसके बाद सेंड करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर आईडी पासवर्ड जाएगा और आईडी पासवर्ड आने के बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड आ चुका है, यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, उसके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट डेट डालेंगे नीचे कैलेंडर में से डालेंगे, अपने मन से अगर डालते हैं तो पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर देते हैं। सर्टिफिकेट डेट भी टाइप करेंगे कैलेंडर से। यही कारण है कि कुछ बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पा रहा था। चलिए, कैलेंडर से चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है, नीचे आकर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है व्यू फुल फाइल, पीडीएफ फाइल और इनकम सर्टिफिकेट अपलोडेड। चलिए, यहाँ पे क्लोज करेंगे, ओके करेंगे। वेबसाइट थोड़ा धीमी है, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद फाइनलाइज है एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, सभी पे टिक लगा देना है। उसके बाद सबमिट फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और इसमें एस, सभी में एस, सभी ऑप्शन में ए सी करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी टाइप करके वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे टाइप कर देते हैं।
उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा स्कॉलरशिप सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा विवरण भी देख सकते हैं और अपने कस्टमर को दे भी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में।